थी टीवी 24 न्यूज। जमात के साथ अलविदा जुमे की नमाज अदा करने के लिए परेशान रहे मुसलमान। मुसलमानों का मुकद्दस पर्व रमजान माह का अंतिम जुमा कोरोना महामारी के कारण फीका रहा। मुसलमान तड़पते रहे कि जमात के साथ मस्जिद में अलविदा जुमे की नमाज अदा कर लें, लेकिन शासन के दिशा निर्देश के अनुसार मस्जिदों में सिर्फ 5 लोगों की नमाज पढ़ने की अनुमति का पालन करना पड़ा। अधिकांश लोग घर में नमाज अदा किए। जिले के दोनों आला अफसर जिलाधिकारी रवीश गुप्ता और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन कुमार मिश्रा नगर में भ्रमण कर जायजा लिया। मरकर मस्जिद का मुआयना किया। मस्जिद के गेट पर ताला बंद होने पर वापस हो गए। इसके पूर्व मरकज मस्जिद में सोशल डिस्टेंसिंग के तहत हुई नमाज पेश इमाम मौलाना उस्मान काजमी ने पढ़ाई नमाज। मौलाना ने खुतबा से पहले अपने खिताब में कहा कि हाजरात, आज रमजानुल मुबारक का आखिरी जुम्मा है जो मुसलमानों के यहाँ छोटी ईद के तौर पर मनाया जाता है। जो लोग कभी भी नमाज नहीं पढ़ते हैं वो आज नमाज ज़रूर पढ़ते हैं, क्योंकि रमज़ान का आखिरी अशरा कहलाता है। इन दिनों अल्लाह ताला सारे गुनाहगारों के गुनाह धो देता है और उनको जहन्नुम से बचाकर जन्नत देता है। इस हफ्ते में पूरी दुनिया के मस्जिदों में मुसलमान रातों दिन इबादत करते हैं, क्योंकि महामारी की वजह से लंबी तकरीर करने का मौका नहीं है। इस वजह से एक दर्दनाक वाकया बताकर तकरीर को ख़त्म करना है। तारीख में लिखा है कि जिसको हज़रत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी ने, जो हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी के दामाद बरकतू के वालिद हैं, इस वक्त बवाई मर्ज़ की वजह से सारे इंसानों को रोना धोना चाहिए। हजरत ने काबुल का एक वाकया बयान फरमाया। वहाँ के जंगलों में शेर, चीते, भेड़िए, हाथी जंगल के पास में रहने वाले लोगों को बहुत नुकसान पहुँचाया करते थे। सब ने आजिज होकर यह तय किया कि इस जंगल में आग लगा दी जाए, जिससे जानवरों के नुकसान से बचा जाए। जब आग लगा दी गई और वो फैलने लगी, उसकी तपिश और गर्मी से जानवर भागने और मरने लगे, तो एक सुअर किसी तरीके से जंगल से बाहर आ गया और उसने आसमान की तरफ अपना मुंह करके अपने खुदा से गिड़गिड़ाने और रोने लगा। उसका अपने मालिक से रोना खुदा को ऐसा पसंद आया कि अल्लाह ताला ने फौरन आसमान पर बिजली पैदा करके खूब जोरदार की बारिश बरसाई, जिसकी वजह से जंगल की आग बुझ गई। हजरत फरमाते हैं कि एक बेजुबान जानवर की, वो मुसलमानों के नज़दीक सबसे ज़्यादा नापाक जानवर है। जब अल्लाह उसकी सुन सकता है, तो मुसलमानों, इस महामारी में क्या तुम्हारी नहीं सुन सकता? लिहाजा मुसलमानों को अल्लाह से सच्ची तौबा करके इस महामारी से छुटकारा लेना चाहिए। नमाज बाद कोरोना महामारी से सुरक्षा और इसके खात्मे के लिए आपसी भाईचारा व सद्भाव तथा अमन चैन कायम रहने की दुआ मांगी गई।